धार जिले के कुक्षी अंतर्गत निसरपुर में अवैध रेत उत्खनन जारी है। कलेक्टर के निर्देश पर नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए रेत से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े हैं। धार जिले में इन दिनों अवैध रेत उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। कुक्षी के निसरपुर में नर्मदा की सहायक नदी उरी बाघनी नदी पर अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। नायब तहसीलदार कुणाल अवासिया और राजस्व विभाग की टीम ने भवरिया के समीप उरी बाघनी नदी पर कार्रवाई की है। मंगलवार को कार्रवाई के दौरान 5 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े हैं, जबकि बुधवार को 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है। अचानक राजस्व विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। नायब तहसीलदार का कहना है कि अवैध उत्खनन पर कार्रवाई इसी प्रकार निरंतर जारी रहेगी। सर, ये अवैध उत्खनन के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही है, आज भी कुछ कार्रवाइयाँ हुई है? ये खराजना और कोलगांव ग्राम से लगातार अवैध उत्खनन की खबरें आ रही थी, जिनसे ट्रॉली के द्वारा उनके पाइपलाइन और उनके खेत बर्बाद करने के लिए शिकायत की जा रही थी बार बार। इसलिए मैंने कल भी कार्रवाई करी थी, जिसमें 5 ट्रैक्टर जब्त किए हैं और आज भी मैंने 4 अवैध रेत खनन करते हुए ट्रैक्टरों को जब्त करके चौकी प्रभारी के सुपुर्द किया गया है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिससे नदी में बहुत ज़्यादा उत्खनन हो रहा है, देखने को भी आता है, तो जितने भी अवैध उत्खनन हैं उनको रोकने की हमारा लक्ष्य रहेगा और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। कुक्षी से उपेंद्र कुमावत की रिपोर्ट।